नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 9th ऑफ सितंबर 2024 एंड आई एम योर होस्ट आशीष बर्वा। डॉलर इंडेक्स पिछले हफ्ते दैट मींस द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, 2nd सितंबर से 6th सितंबर में कैसे बिहेव किया एंड यहां से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते। लास्ट फ्राइडे को आपका एनएफपी डेटा था, जिसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया। वीकली चार्ट को अगर हम प्रोसेस करने का प्रयास करेंगे, एक कंसोलिडेशन जोन बन चुका है। ये कंसोलिडेशन जोन क्यों है? बिकॉज़ ऑन 18th ऑफ सितंबर एफएमसी रेट डिसीजंस एंड फॉलोड बाय द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद ये जोन को प्राइस कैसे बिहेव करते हैं उसके ऊपर एंटायर मार्केट इज वेटिंग। Till that time, some sort of sideways to two-way movement of volatilities are expected as far as the dollar index is concerned. And only post FOMC rate decisions and press conference, we may expect some trended directions. Till 17th of September, जिसके कारण हाथ हमारे हाथ में और भी 1 week है, अगले हफ्ते का है। तो यहाँ पे अगले हफ्ते तक क्या एक्सपेक्टेशंस? डॉलर चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ रेंज शिफ्ट इज अंडरवे। रेंज शिफ्ट अगर अंडरवे है, देन इन सच ए केस पिछले हफ्ते का जो हाई है, दैट मींस 101.92 इज वेरी क्रूशियल। ये 101.92 का जो हाई है, इसके हाई के ऊपर अगर डेली क्लोज देते हैं इन सच ए केस, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा हल्का सा अपवर्ड जर्न में बी टूवर्ड्स 102.60 से 102.90 के तरफ जाने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। कंडीशन क्या है? इट हैज टू क्लोज अबोव द प्रीवियस वीक हाई, दैट मींस 101.92। उसके ऊपर डेली स्ट्रॉन्ग क्लोज देना चाहिए, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपवर्ड बायस। नेक्स्ट इज आवर जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर में वीकली चार्ट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड पिनबर्ड टाइप ऑफ कैंडल फॉर्म हुआ है। प्राइस टू डेट वन नेगेटिव कैंडल एंड इसका जो जोन है वो जोन है आपका एट रेजिस्टेंस, दैट इज 1.32। सो यहाँ पे प्राइस भी काफी रिजेक्शंस देख रहे हैं, बट रिजेक्शंस हम देख रहे हैं लेकिन डाउनवर्ड मूव में कोई बड़े मूवमेंट हम देख नहीं रहे। इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज मार्केट इज वेटिंग फॉर द एफओएमसी रेट डिसीजंस, द बिगर इवेंट, जिसके बाद एक ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ट्रेंडेड मूव के लिए कौन सा डायरेक्शन में? अगर आपका 26th अगस्त के हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं, दैट मींस योर 1.326566 के ऊपर अगर daily close देते, in such a case we can expect some upward bias. अगर हम daily में GBP dollar को देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे some sort of your range shift. In such a case, ये जो आपका 3rd September का candle का low है, that means 1.308085 का जो low है, this becomes very crucial. इसके low के नीचे हमें थोड़ा सा selling towards 1.2970 से 1.3020 के तरफ एक सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी आईएनआर सिमिलर, ये 26 अगस्त का जो वीकली क्लोज इट्स ए नेगेटिव कैंडल फॉलोड बाय जो लास्ट वीक का कैंडल है इट्स आल्सो ए इन्वर्टेड हैमर, लेकिन प्राइस रिजेक्शंस एट अ हायर एंड, मार्केट इज वेटिंग फॉर ए क्रूशियल डेटा। Then, ये जो 3rd September का लो है, that is 109.90, इसके लो के नीचे थोड़ा GBP-INR expect हम कर सकते towards downward move towards 108.80 से 109.00। ये जो movement हम expect कर रहे हैं only for 1 week period, जब तक आपका FOMC rate decisions नहीं आता है। FOMC rate decisions आने के बाद हमारा एक major movement हम एक डायरेक्शनल ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसका कैलकुलेशन डिपेंडिंग ऑन द डेटा होना चाहिए। अभी आते हैं हम यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर जो है आपका, यहाँ पर भी प्राइस कंसोलिडेशन हो रहे हैं।
आपका 26 अगस्त वाला एक मेजर नेगेटिव कैंडल था, फॉलोड बाय जो लास्ट वीक का कैंडल है, इट्स अगेन ए इन्वर्टेड हैमर टाइप ऑफ कैंडल। बट यहाँ पे हमें जो 19 अगस्त का जो मदर कैंडल है, वीकली मदर कैंडल, दिस रेंज बिकम्स वेरी क्रूशियल। इस रेंज के आइदर साइड ब्रेकआउट, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, वी मे एक्सपेक्ट सम गुड मोमेंटम, लेकिन जो होने वाला है पॉसिबली आफ्टर द कंसिडरेड डिसीजंस। डेली में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज शिफ्ट दिख रहा है, डेली चार्ट में टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, दैट बीइंग द केस, ये जो 3rd सितंबर का लो है, दैट मींस 1.1025, इसके लो के नीचे हमें एक हल्का सा माइल्ड सेलिंग, मे बी टुवर्ड्स 1.0950 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं यूरो आईएनआर, यूरो आईएनआर में भी सिमिलर एनालिसिस। आपका जो 19th अगस्त का मदर कैंडल है, इसका रेंज इज क्रूशियल, मींस इसके रेंज के बाहर वी कैन एक्सपेक्ट सम मेजर वोलेटिलिटी। और डेली में भी यूरो आईएनआर में एक रेंज शिफ्ट देख रहा है, सिमिलर एनालिसिस, दैट बीइंग द केस, 3rd सितंबर के लो के नीचे, दैट मींस 92.55 के नीचे अगर क्लोज देते हैं इन सच ए केस, एक माइल्ड सेलिंग मे बी टुवर्ड्स 9180 से 92.00 की तरफ हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं येन, डॉलर येन में जो आपका 5th अगस्त का जो कैंडल था, इट्स ए क्रूशियल कैंडल, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर पिन बार या हैमर कैंडल बनाया होता है, इसका लो इज टेम्पोररीली द शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया। तो लास्ट वीक में इस लेवल को छूने का प्रयास किया था, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आज के दिन यहाँ पे एक मॉडरेटली बुलिश बायस हो रहा है। अगर यहाँ पे हमें एक डेली चार्ट में अगर हमें एक W पैटर्न मिलते हैं इन सच्चे केस, एक माइल्ड अपवर्ड बायस मे बी टुवर्ड्स 147 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लो के नीचे का ब्रेक डाउन until and unless the FOMC rate decisions or some major policy changes in BOJ. BOJ के द्वारा अगर कुछ major policy changes किया जाता है, in such a case, इस range को break करने का प्रयास हो सकता है. Otherwise, it is expected to act as a major support. Yen-INR. Yen-INR में जो resistance level है, उसके वहीं पे जाके last week में आपका close दिया हुआ है, आपका 59.50 का एक मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे अगर हमें एक एम पैटर्न मिलते हैं, डॉलर येन पे हमें W चाहिए था एंड येन आईएनआर पे हमें एक एम पैटर्न चाहिए, एम पैटर्न अगर मिलता है तो उसके लो के नीचे एक मॉडरेटली सेलिंग बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर कैंडी जैसे कि हमारा लास्ट वीक का एक्सपेक्टेशंस था, ये जो प्रीवियस सपोर्ट दैट मींस 1.3580 से 1.3600 ये पहले का सपोर्ट था, इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अभी हमें देखना है कि इस रेजिस्टेंस एरिया में रेस्पेक्ट करके फिर दोबारा स्विंग लो को तोड़ते हैं या नहीं। नेक्स्ट इज ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में भी आपका अच्छा खासा यहाँ पे पिछले 2 हफ्ते में बैक टू बैक सेलिंग देखा गया था। प्रीवियस वीक में हमारा ये एक्सपेक्टेशंस था कि इस सपोर्ट 6650 के तरफ आना चाहिए, उधर आ चुके हैं। अभी व्हाट नेक्स्ट में यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा क्लैरिटी इज मिसिंग, क्लैरिटी मिसिंग, जब तक ये आपका 26 अगस्त के हाई के ऊपर क्लोज नहीं देते तो यहाँ पे हमें एक मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, रेदर एक डाउन, रेदर एक साइडवेज चॉपी बिहेवियर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। CNH में भी यहाँ पे हमारा 2 एक्सपेक्टेशंस था, एक जो प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया है, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे आएगा या यहाँ पे एक W पैटर्न बना के ऊपर में जाएगा। हमारा यहाँ पे W का एक इंतजार है, बट इट्स ए वीकली चार्ट, सो काफी लंबा पीरियड के बाद अगर इस टाइप का एक W फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ जाते हैं इन सच ए केस, CNH में एक अपवर्ड बायस हम देख सकते हैं, लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है जिसके कारण हमें इंतजार करना पड़ेगा क्या ये जो 7.1050 से 7.12 का रेजिस्टेंस जोन है करेंटली, पहले जो सपोर्ट था अभी एक रेजिस्टेंस जोन है,
इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के रेस्पेक्टर के नीचे की तरफ आता है या तोड़ के डब्ल्यू पैटर्न बनाते हैं। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड कैस्चर्ड जो है यहाँ पे अच्छा खासा नेगेटिविटी छाया हुआ है। यहाँ पे पहले का हमारा एक ट्राइंगल था, ट्राइंगल का कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बाद ये 5th अगस्त का लो वाज क्रूशियल। इस लो के नीचे हमारा एक डाउनवर्ड मोमेंटम था, उसमें भी फर्दर जो हमारा एनालिसिस था, जो आपका 26 अगस्त ऑनवर्ड जो हमारा एनालिसिस था, यहाँ पे 12 अगस्त का हाई एंड 19 अगस्त का लो और द क्रूशियल, इधर से ब्रेकआउट में टेक ए में गिव ए डायरेक्शन मोमेंटम। एंड यहाँ पे क्या हुआ, 19 अगस्त के लो के नीचे जैसे ही तोड़ा, एक अच्छा खासा ब्रेक डाउन किया हुआ है। अभी हम देखेंगे ये जो पहले का प्राइस रिजेक्शन था, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कैसे बिहेव करता है, थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद क्या नीचे की तरफ जाते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा इन सच ए केस। इस सब पे यहाँ पे जो मॉडरेट टेम्पोररी सपोर्ट लेने के बाद अगर नीचे की तरफ जाते हैं इन सच ए केस, एक फर्दर डाउनवर्ड मूव मे बी टूअर्ड्स 67 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें प्राइस कॉन्फर्मेशन चाहिए। अभी आते हैं यूएस टेन-ईयर ट्रेजरी। यूएस टेन-ईयर ट्रेजरी ये आपका 7.3.742 में है। यहाँ पे हमारा जो 5th अगस्त का कैंडल इसके लो के नीचे क्रूशियल है, क्योंकि इसके लो के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देते हैं तो हमें फर्दर डाउनवर्ड बायस का एक्सपेक्टेशंस था। यहाँ पे लास्ट वीक में लो को छुआ है लेकिन क्लोज नहीं दे पाया बिलो द 5th अगस्त लो, सो यहाँ पे और थोड़ा हमें इंतजार करना है, बिकॉज नेक्स्ट वीक ओनली एफओएमसी रेट डिसीजंस, उसके बाद एक मींस डायरेक्शनल मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस टू ईयर ट्रेजरी यहाँ पे लेकिन 5th अगस्त का लो को तोड़ चुके हैं, इसके लो के नीचे, इसका लो के नीचे क्लोज दिया हुआ है, सो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन के बाद एंड एफओएमसी रेट डिसीजंस के बाद हमें एक बढ़िया सा मींस मोमेंटम का इंतजार है। फाइनली इज आवर डॉलर रुपी। डॉलर रुपी में ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, 83.80 से 84.00 के बीच में ये प्राइसेस मूव करवा रहे हैं, कर रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इनविजिबल हैंड्स आर वेरी एक्टिव, नॉट लेटिंग डॉलर रुपी टू मूव अबोव 84.00। सो यहाँ पे जब तक इनविजिबल हैंड्स का माइटी पावर हाथ में है तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। बियॉन्ड दैट मीन्स एक बार अगर उन लोगों का कोई शिफ्ट इन देयर डिसीजंस हमें मिल जाते हैं, उसके बाद ही डॉलर रुपए में कुछ मूवमेंट का हम मेजर मूवमेंट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिल दैट टाइम वी नीड टू फॉलो द व्हाट द इनविजिबल हैंड्स आर विलिंग टू डू। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।